अच्छा, 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? ये तो पब्लिक बताएगी, हम क्या बताएंगे। पब्लिक क्या राय है, आप किसे चाहते हैं? पब्लिक जिसे चाहे वही हमारी राय है। मोदी जी कैसा काम कर रहा है? ठीक काम हो रहा और क्या करवाओ। हाँ यार, सरकार कानून लेके आती है, दो ही बच्चे पैदा करने की इजाज़त होगी, तो उस कानून को मानेंगे आप? है नहीं यार, ये तो ऐसा कोई काम नहीं। क्यों? अगर जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी फिर? आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है, अभी आप देख पब्लिक है तो भीड़ होगी जब पब्लिक रहेगी। अच्छा, बात करेंगे, मोदी जी कैसा काम कर जी? वैसे तो ठीक ही लग रहा है। हाँ जी, 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए, और हमारा तो नोएडा में योगी जी है, तो योगी जी नहीं होना चाहिए, बीजेपी ही होना चाहिए। क्यों बीजेपी क्यों होनी चाहिए? उससे डेवलपमेंट हुआ है, हमने देखा है 5 सालों में, तो डेवलपमेंट जिससे होगा हम उसी को सरकार चुनेंगे ना, ना कि ठेके वाले को चुनेंगे ना बस फ्री वाले को चुनेंगे, क्योंकि देखो 10-5 रुपये हर कोई इंसान दे देगा, लेकिन मेन पॉइंट ये किस चीज़ से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, किस चीज़ से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम पे कौन ध्यान दे रहा है, आम आदमी पे कौन ध्यान दे रहा है, उसको सरकार होना चाहिए। बस हमें फ्री चीज़ों से मतलब नहीं है, इंसान फ्री चीज़ें ले भी लेता भी नहीं है, जल्दी से देखा जाए तो इंसान देखता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट हो क्या रहा है, बस उस चीज़ को होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारी पब्लिक मोदी जी के साथ उतरे, पूरा हिंदुस्तान, दो दो चार राज बचे हैं वो भी मोदी जी के हिस्से में आ जाना चाहिए, तब देखो आप देश का विकास किस प्रकार से होता है। किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी ही रहें, हमें लगता है कि जब तक जिंदा रहें तब तक रहें मोदी जी, इनके अलावा और कोई अभी ऐसी शख्सियत नहीं हुई है जो प्रधानमंत्री पद का भार संभाल सके, कुर्सी, तो इसलिए सारे जो प्रोगेंडा है मोदी जी के साथ ही रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सारी पब्लिक मोदी जी के साथ उतरे, पूरा हिंदुस्तान, दो दो चार राज बचे हैं वो भी मोदी जी के हिस्से में आ जाना चाहिए, तब देखो आप देश का विकास किस प्रकार से होता है। बाकी ये छोटा मोटा काम करके, फ्री करके, ये करके देश के गांव के बच्चे को या अपने दिल्ली के वासियों को फ्री किसको दिया, उनको पता भी है किसको दिया? लेकिन जनता ले रही है, खुश है जनता, फ्री दे दिल्ली वालों को, पंजाब किस प्रकार का, किस प्रकार का फ्री दिया ये बता दें हमें, हमें तो फ्री नहीं मिला। ना बिजली पानी, महिलाओं को DTC, बिजली भी किराए पर रहते हैं, हम किराए पर रहते हैं, बिजली बिल भी देते हैं, छः रुपये यूनिट के हिसाब, और किसको फ्री दिया? उन्होंने कभी तहकीकात किया? कभी बड़े आदमियों को एक्शन लिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, जाके घुस जाते हैं घरों में, बैठ जाते हैं। मोदी जी राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी तो पीछे हो गए काफ़ी, वो अपने छवि से पीछे हो गए, हाँ उन अपने कहानी से, बातों से वो पीछे हो गए, अब वो बात नहीं है जो बात पहले थी वो कांग्रेस में। कैसे पीछे हो गए? अब उन अपने अपने बात पे, हर बात पे वो पीछे हो गए, बात ही नहीं कर पाते हैं, कभी बोलना कुछ बोल देते हैं कुछ। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए, और हमारा तो नोएडा में योगी जी है, तो योगी जी नहीं होना चाहिए, बीजेपी ही होना चाहिए। क्यों बीजेपी क्यों होनी चाहिए? उससे डेवलपमेंट हुआ है, हमने देखा है 5 सालों में, तो डेवलपमेंट जिससे होगा हम उसी को सरकार चुनेंगे ना, ना कि ठेके वाले को चुनेंगे ना बस फ्री वाले को चुनेंगे, क्योंकि देखो 10-5 रुपये हर कोई इंसान दे देगा, लेकिन मेन पॉइंट ये किस चीज़ से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, किस चीज़ से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम पे कौन ध्यान दे रहा है, आम आदमी पे कौन ध्यान दे रहा है, उसको सरकार होना चाहिए। बस हमें फ्री चीज़ों से मतलब नहीं है, इंसान फ्री चीज़ें ले भी लेता भी नहीं है, जल्दी से देखा जाए तो इंसान देखता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट हो क्या रहा है, बस उस चीज़ को होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते, वो भी तो रेस में? राहुल गांधी का मुझे उनका वर्क ही नहीं पता, मुझे नरेंद्र मोदी जी का पता है बस, और योगी जी का पता है बस, योगी जी का पता है, उन्हीं का मुझे वर्क पता है। हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ है, लड़कियों के लिए इतना मतलब अच्छी सुरक्षा कर दी है उन लोगों ने कि लड़कियां 12 बजे निकल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि आज से पहले हम कहीं जा नहीं पाते थे, लाइटिंग नहीं थी ना कुछ था, ना फ्लाईओवर थे, ना रोड थे, कच्चे रोड में आप कहाँ जाओगे? ठीक है, 5 साल में इतनी अच्छी सरकार थी, उन लोगों ने कुछ नहीं करा, तो जो कर रहा हमें वो चाहिए, जो नहीं कर रहा हमें उनसे मतलब नहीं है, चाहे वो सरकार कोई सी भी हो, जो हमारे लिए करेगा हमें वो बेस्ट है। राहुल गांधी तो कहते हैं महंगाई ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी है, युवाओं के पास रोजगारी नहीं है, तो महंगाई तो होनी ही है, अगर आप GST वगैरह इंक्लूड करोगे, GST वगैरह अगर इंक्लूड करोगे तो वो तो महंगाई ही बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं सरकार को आप जनता को आप लालच दोगे
कि देखो एक तरफ नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं वो महंगाई कर रहे हैं, एक तरफ हम फ्री दारू दे रहे हैं, तो दारू पे इंसान नहीं जाएगा। दारू में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक गरीब इंसान महंगाई 2 रुपए दे देगा लेकिन जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। रही बात बस फ्री होने की, तो इंसान 10-5 रुपए भी दे देगा, लेकिन ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। हमारे देश में क्या हो रहा है कि इन लोगों को भ्रम सिखा रहे हैं कि देखो हम एक तरफ फ्री दे रहे हैं जनता के लिए, एक तरफ महंगाई हो रही, तो इंसान महंगाई को तो जीत लेगा लेकिन जो लोग पी रहे हैं वो चीज कोई नहीं झेल पाता। उससे लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हैं पी पी के। आपने कभी देखा कि ठेके पे कितनी लंबी लाइन होती है पीने के लिए? हालांकि इंसान एक घड़ी को राशन अपने घर पे लेके नहीं जाएगा लेकिन पीने के लिए मारेगा भी। बच्चे भी चुरा रहा है इस टाइम, कितनी वीडियो आ रही है बच्चों को चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहा है इंसान? नशे के पीने के खातर। तो जब ये चीज बंद नहीं हुई तो हम महंगाई तो फिर भी झेल लेंगे, लेकिन ये चीज बंद होनी जरूरी है। लेकिन अगर आप इंसान को भ्रम में रख रहे हो कि हम फ्री कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल ने जो फ्री दी है बिजली, डीटीसी बस है महिलाओं को यात्रा, लेकिन खुश है जनता ले रही है? कुछ नहीं, वो फ्री नहीं है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं से उनसे पैसा निकलवा ही लिया जाएगा। वो फ्री बता के कहीं और बता देंगे। आप बिजली फ्री दे रहे हो तो 1,150 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं बस। तो गुजरात में भी ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं गुजरात में ही फ्री देंगे, जिता दो सरकार बनवा दो। मैं किसी का नहीं पता है, मुझे पता है कि हमारे जो नोएडा में योगी जी हैं वो जीतेंगे और दिल्ली में नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे बस, बाकी और सरकार से नहीं। ऐसा क्या है मोदी और योगी के अंदर? मोदी तीसरी बार चाहिए प्रधानमंत्री। योगी जी से हमें फ्रीडम मिली है फर्स्ट चीज ये, सेकंड चीज ये डेवलपमेंट हुआ है, और थर्ड चीज ये जो हमें स्वतंत्रता अपने देश में मिलनी चाहिए वो हमें मिल रही, महसूस हो रही है। आज से पहले किसी सरकार में स्वतंत्रता महसूस हमें नहीं हुई थी, तो वो चीज जिससे हमें फील होगा अच्छा कि हाँ भाई हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, या हमारे लिए कुछ दिख रहा है कि हम हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है, तो उस चीज को बेस्ट होना चाहिए। अच्छा, 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते हैं? ये तो पब्लिक बताएगी, ये तो पब्लिक बताएगी, हम क्या बताएंगे? पब्लिक क्या राय है, आप किसे चाहते? पब्लिक जिसे चाहे वही हमारी राय है। मोदी जी कैसा काम कर? ठीक काम हो रहा और क्या करवाओ, ठीक काम हो रहा और क्या करवाओ। बच्चे कितने अच्छे, जनसंख्या कानून को लेकर क्या सोच? ये तो पर वाले ही देना है, हम तो इसी बात में मानते नहीं। अगर कानून आया, सरकार कानून लेके आती है, 2 ही बच्चे पैदा करने की इजाज़त होगी, तो उस कानून को मानेंगे आप? है नहीं यार, ये तो ऐसा कोई काम नहीं। क्यों? अगर जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी फिर? आप देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है, तो अभी आप देख पब्लिक है, तो भीड़ होगी जब पब्लिक रहेगी। कहीं समस्या है या नहीं? तेरी बीमारी आ रही अब बेतेरी बीमारी आ रही है, बेतेरी मर लिया ऐसे ही मरते जाएंगे, बेतेरी बीमारी आ रही है, बेतेरे मर लिया फिर ऐसी भी ऊपर। क्या कानून की जरूरत है या नहीं देश में, ये बता। जनसंख्या कानून बना देगा, बीमारी भेज देगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंसान के कब्जे में कुछ नहीं है, ऐसे इंसान के कब्जे में क्यों नहीं है? हम नहीं मानते ना सर। क्या नाम है? मेरा नाम प्रणव चौधरी। जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में क्या सोचते हैं आप, जनसंख्या कंट्रोल कैसे होनी? आप ही देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है जनसंख्या का, बढ़ती जा रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन, एजुकेट कीजिए आप बच्चों को। हम पढ़ते हैं, हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, ये सब हमें बचपन से थोड़ा बड़ा होकर पढ़ाया जाना चाहिए, खुला पढ़ाया जाना चाहिए। चाचा तो मना करके गए हैं कि हम नहीं मानते इस चीज़ को, बच्चे अल्लाह की देन है। सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, बच्चे अल्लाह की देन है, हम मानते हैं चलो होती है, लेकिन आपको ही पता है कि कैसे होता है, तो वो पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या पढ़ाना ज़रूरी है, जो जागरूकता? जागरूकता ये कि बच्चा एक ही अच्छा फिलहाल, दो नहीं तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं चलेगा, बच्चा एक ही अच्छा। लेकिन चाचा तो कह रहे थे हम नहीं मानते इस चीज़ को, हमें अल्लाह की देन है। आप देख रहे हो चाचा के ज़माने में इतनी भीड़ नहीं होती थी, चाचा का ज़माना गया, हमारे ज़माने में इतनी भीड़ आ गई। अच्छा बात करेंगे, मोदी जी कैसा काम कर? जी वैसे तो ठीक ही लग रहा है। हाँ जी, कश्मीर की जनता मोदी को लेकर क्या सोचती है? जी मोदी को लेकर क्या सोचती है कश्मीर की जनता? किस बारे में? काम के बारे में, विकास के बारे में। जी आप वहाँ आओ, खुद देखो कैसा काम हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, यहाँ बैठ के कोई नहीं बता सकता। आप वहाँ आओ, अपना मीडिया लेकर साथ आओ, फिर देखो रोड देखो कैसा बिल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको खुद मानना पड़ेगा। कश्मीर के कुछ बता दीजिए ना। जी आप आओ ना, मैं क्या बताऊँगा, ये तो आपको सही भी लग सकता, झूठ भी लग सकता, आप खुद आओ, खुद देखो कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, और नहीं तो क्या। नहीं, अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की भी सरकार रही है, वहाँ कैसा काम करा था उन्होंने? वही मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप आओ ना, आप देखो कैसा बना था, अब कैसा है, आप तो वही आप आओ और देखो कैसा है कैसा नहीं था, कुछ तो बता दो, थोड़ा बहुत तो बता दो।
मैं वही आपसे देखिए बताने से क्या होगा, आप आओ और देखो कैसा था और कैसा है, आप देखो कि किस तरह बिल्ड हुआ है, क्या खूबसूरती है, जो थी अच्छी है या ख़राब हो गई है वो आप खुद देखोगे। आप तो मीडिया का आपका काम ही है घूमना दिखाना, यहाँ बैठ के आप लोगों से पूछोगे, लोग तो कुछ बता नहीं सकते ना, यहाँ बैठे कोई कुछ नहीं, आप वहाँ और खुद देखो क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, जब कश्मीर में चुनाव होंगे तो जनता किसको लेकर क्या क्या सोचती है, चुनाव होने वाले हैं तो किसको जनता चाहती है, किसकी सरकार चाहती है? अभी तो महबूबा मुफ्ती या कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी, वो तो उसी वक्त पता चलेगा ना, लोग तो हर एक के साथ देखते हैं, देखने में आप देखिए हर के साथ लोग देखते हैं, लेकिन जब वहाँ चुनाव होगे तो अब उसी वक्त डिक्लेयर होगा कि किसको लोग चाहते हैं। जो क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जी हम तो उसी को लाइक करेंगे जो अच्छा काम करे, अच्छे बेहतर बनाए, बच्चों का मुस्तकबिल बनना चाहिए। कौन है ऐसा अच्छा काम करेगा? अच्छा वो तो उसी वक्त देखा जाएगा जब उस वक्त जो इलेक्शन होगा उसी वक्त देखा कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं। मैंने भी तो देखा होगा काफ़ी कश्मीर में, आपने भी महबूबा मुफ्ती की और भी लोगों की सरकार देखी है, कैसा जी? हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, सरकार वो जब बनेगी तब देखेंगे क्या होगा। हाँ जी, 24 में क्या लगता है आपको, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम तो यार कोई सभी बने क्या होना चाहिए, जो अच्छा काम करे वही बेहतर है। कौन अच्छा काम करेगा वो तो आप देख लेंगे, कौन अच्छा काम करेगा जो बनेगा, आप तो देख रहे हैं कि पहले कैसा था अब कैसा है, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसी को चाहेंगे, जो देश को आगे बढ़ाए देश तरक्की करे हम उसी को चाहते हैं। और काम के ऊपर कह रहे हैं जो अच्छा काम। अच्छा, मोदी जी आएंगे तीसरी बार आएंगे लगता है, क्या लगता है? उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम अच्छे हो, बच्चे अच्छे लेवल पर जाए, जो जवान बैठे हुए इनको अच्छी जॉब मिले, ये अच्छे काम अच्छी तरक्की करें, हम तो यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं, और देश अच्छा रहना चाहिए उसी में हम खुश है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम आप? हाँ जी, नाम मोनू नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ जी, उत्तराखंड से। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, किसको होना चाहिए प्रधानमंत्री, क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। क्योंकि वो देश के लिए कर रहे हैं, वो देश के लिए क्या नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बताओ क्या किया है, सब कुछ कर रहे हैं। मेन मुद्दा होता है इंटरनेशनल, एक दिन भी वो घर नहीं बैठते इंटरनेशनल पे, क्या नहीं हो रहा, जब पहले पत्थर पड़ते थे कश्मीर में और इधर चीन हमारा जो हमसे बगावत करता था, आज उसकी हिम्मत ही नहीं है कि हमारे जवानों को। गांधी तो कहते हैं चीन से डरते हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी तो देखो जी ऐसा है कि वो तो वंश चला रहे हैं, तो उन्होंने तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, अगर हम ही कहीं गलत होंगे तो हमें भी तो कुछ वक्तव्य देना पड़ेगा ना, वो तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो वो है कि झोला ढा के चल देंगे जिस दिन हारेंगे, लेकिन करके जाएंगे। पीएम की रेस में तो नीतीश हैं, राहुल जी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, ये बहुत सारे हैं, इनमें से कोई विकल्प? लेकिन ये रेस में कहाँ हैं, ये तो ये दावा ठोकने से तो हम भी अगर गठबंधन तो अभी भी हुआ था यूपी में, वो तो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो गठबंधन करने से कुछ नहीं है, जनता को पता है जो चीज़ सत्य है वो सत्य है।